विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी वैसे तो सिंपल ही है, ठीक है, यहाँ पे इसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, कभी कभी स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बहुत सारे नाम है, स्टेप फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, है ना। और इसका बेसिकली निकालते कैसे है, तो कोई भी देखो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, ध्यान से समझना, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2.8, ये एक डेसिमल नंबर है, तो आपके पास दुनिया का कोई भी एक डेसिमल नंबर है तो उसको आप हमेशा ऐसा लिख सकते हो ना, 2 + 0.8। तो ये वाला जो आपका पार्ट है ये आपका इंटीजर पार्ट है, और ये वाला जो आपका पार्ट है ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, क्योंकि इसका वैल्यू तो लेस देन 1 होगा हमेशा। तो ये कोई ना कोई ये 8/10 मतलब ये फ्रैक्शन है और ये इंटीजर पार्ट है। तो किसी भी एक नंबर को आप इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में तोड़ सकते हो, तो उसी को हम बोलते हैं, ये जो इंटीजर पार्ट आएगा उसी को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और यहाँ पे जो आएगा इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट की बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर है। अब देखो इसको निकालते कैसे, तो इसका बेसिक डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, बेसिक डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब बेसिकली जैसे मान लो कोई भी एक, मैंने आपसे पूछा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.8, तो इसका आंसर आप कैसे निकालोगे, मतलब इसका बेसिक्स थोड़ा सा समझो। वैसे तो मेरे ख्याल से आंसर बहुत सारे बच्चों को पता ही होंगे, बट इसका मतलब क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब इसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट करो, यहाँ पे 1 होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे 2 होगा, और ये जो 1.2 आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा ना। तो आप यहाँ पे खड़े हो और आपको हमेशा निकालना होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो लेस देन इक्वल टू एक्स है और एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1.2 है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू। तो आप कोई ऐसा इंटीजर बताओ जो कि ग्रेटेस्ट है और इससे कम है, एक्स से कम है, इट इज लेस देन इक्वल टू एक्स, तो एक्स से कम होना चाहिए और ग्रेटेस्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए, तो दैट विल बी 1, समझ रहे हो। तो आपको हमेशा क्या करना होता है कि आप जहां पे भी खड़े हो वहां से लेफ्ट साइड चलना स्टार्ट कर दो, है ना, जिधर भी आप खड़े हो ऐसे खड़े हो जाओ और ऐसे लेफ्ट साइड आप चलना स्टार्ट कर दो, जो भी पहला इंटीजर आपको मिल गया ना दैट इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये बेसिक डेफिनेशन है। तो जहां पे भी आप खड़े हो वहां से हमेशा हम चलते हैं लेफ्ट साइड ऑलवेज, ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो जो भी आपको पहला इंटीजर मिलेगा उसको करना राम राम और वही आपका आंसर, ठीक है। तो चमक गया होगा मेरे ख्याल से, तो बस ये 1 इज द आंसर फॉर दिस। और ये 2.8 के लिए क्या होगा, तो 2.8 यहां पे कहीं पे लाई करेगा ना 2 और 3 के बीच में, तो ये भी चमक गया होगा, 2 और 3 के बीच में नंबर लाइन पे लाई करेगा, तो अगर आप यहां पे खड़े हो लेफ्ट साइड चलना चालू कर दोगे तो पहला इंटीजर कौन मिलेगा, 2। तो ये, लेकिन ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया, अब बार बार हम यहां पे बेसिक डेफिनेशन यूज नहीं करेंगे, और स्पेशली मतलब नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होगा बताना। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक हमारे पास कुछ नेगेटिव इंटीजर है, लेट्स टेक -1.2, तो -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, उसको निकालने के लिए अगेन आप बेसिक डेफिनेशन से चलो। तो ये मान लो -3, -2, -1, यहां पे कहीं पे 0, ये आपकी नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन के ऊपर ये कहां पे लाई करेगा -1.2, यहां पे कहीं पे आएगा -1.2, तो आप यहां पे खड़े हो और जहां पे भी आप खड़े हो वहां से आपको चलना लेफ्ट साइड, अगर आप लेफ्ट साइड चलना स्टार्ट कर दोगे तो ये इंटीजर आएगा, तो बेसिकली इसका आंसर -2 आता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो भी नेगेटिव नंबर्स होता है उसमें आपका अगर ये -1.2 है तो -2 आ जाएगा, और यहां पे जो भी आपका जैसे नंबर है पॉजिटिव नंबर 1.2, तो 1 का 1 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा। तो इसका शॉर्टकट आपको समझ में आ गया, शॉर्टकट सिंपल यही है कि अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो उसमें तो सिंपल आप देख लो कि जो भी उसका इंटीजर पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 53.2 ये पॉजिटिव है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 53 ही आएगा। अगर मान लो आपके पास है 2.999, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है या नेगेटिव कोई भी नंबर है ना, कोई भी नेगेटिव नंबर है, लाइक फॉर एग्जांपल -3.14 या फॉर एग्जांपल -4.39 समथिंग लाइक दिस, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा ना वो एक आगे वाला नंबर आएगा, ठीक है। तो यहां पे -3, तो बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा -4, मतलब ये 3 में एक प्लस कर दो, है ना, तो -4, फिर इसमें आ जाएगा -5, समझिए। तो यहां पे एक नंबर आपको आगे चलना पड़ता है और वो भी लेफ्ट वाले डायरेक्शन में, फाइन ना। तो ये शॉर्टकट आपको समझ में आ गया, अगर नेगेटिव है तो ऐसा कर लोगे, पॉजिटिव है तो सीधा